2024 को लेकर मिशन संताल में सभी पार्टियां जुट गई हैं। सीएम के साथ बाबूलाल भी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन इस दौरान बयानबाजी का स्तर गिरता जा रहा है। 2024 को लेकर बाबूलाल मरांडी संथाल में कमल खिलाने की कवायद में जुटे हैं। भोगनाडी से आदिवासी अधिकार यात्रा की शुरुआत की, यही नहीं ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी जानी। इस दौरान बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार पर लूट खसोट का आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं सीएम के पीछे पीछे संथाल आने के आरोप का भी जवाब दिया। हमको कोई कुत्ता थोड़े काटा है कि मैं उनके पीछे पीछे जाऊं। इस सब में लघु करने वाला तो जेएमएम वाले लोग है, हेमंत सोरेन जैसे लोग है। कभी इधर भागते कभी उधर भागते, हम तो जाते हैं गांव जाते हैं। भाई अगर गांव में कहीं से जानकारी मिलती है तकलीफ वहां हो रही है, कष्ट वहां, लोग है वहां बीमार पड़े हुए, आखिर क्या है कारण, हमें तो उसका पता करना पड़ेगा। बाबूलाल के आरोप पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने पलटवार किया है। प्रदीप यादव ने कहा है कि बाबूलाल को गिरगिट ने छू लिया है। मुझे कुत्ता थोड़ो काटा है कि मैं हेमंत सोरेन के पीछे जाऊंगा, ये वाक्य लोकतांत्रिक वाक्य नहीं है। इस प्रकार के वाक्य तो ब्लॉक स्तर के नेता भी नहीं कहते, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कुत्ता तो उनको नहीं काटा है, लेकिन गिरगिट ने जरूर छू दिया है, इस कारण से इतने रंग बदल गए। मिशन 2024 में जुटे राजनीतिक दलों में बयानबाजी का स्तर गिरता जा रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए दुमका से राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।